अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई होप आप लोग रमज़ान की तैयारियां जो हैं बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो आज भी मैं बहुत ही अच्छी मेक एंड फ्रीज़ की रेसिपीज़ लेकर आ रही हूं। मैं बना रही हूं आज बारबेक्यू रोल्स और पोटैटो चिकन डोनट्स। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं, उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रेसिपी को लाइक। चलिए जी स्टार्ट करते हैं बारबेक्यू रोल्स के लिए। हमें जो मैरिनेट करनी है चिकन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है मैंने ले ली है बोनलेस चिकन, तकरीबन मैंने एक पाव के बराबर ले ली है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ दही। दही मैंने ले लिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। इससे जो है बहुत अच्छा थासा बन जाता है और ये बहुत ही मज़े का लगता है। अच्छा जी, इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ब्लैक पेपर का पाउडर। 1 टीस्पून इसमें जा रही है लाल मिर्च को का पाउडर। नमक इसमें जा रहा है हसबे जायका। गरम मसाला मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1/2 टीस्पून के बराबर। और ज़ीरा पाउडर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून के बराबर। 1/2 टीस्पून के बराबर मैं कुटी हुई जो है मैं लाल मिर्चें भी डाल रही हूँ इसके अंदर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें जा रहे हैं 1/2 टीस्पून के बराबर चाट का मसाला। अच्छा जी, मैं इसके अंदर जो है तंदूरी मसाला भी ऐड कर रही हूँ, बाहर का जो पैकेट का जो मसाला होता है। अगर आपके पास नहीं है, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालें। मैं सिर्फ कलर के लिए ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ये मसाला नहीं है तो आप रेड फूड कलर डाल दें इसके अंदर, तो बहुत अच्छा सा जो है टिक्के का जो फ्लेवर टिक्के का जो कलर आ जाता है वो आ जाएगा। अच्छा जी, मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। अब मैंने इसको अच्छे से जो है मिक्स कर दिया है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके रख दें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसको आधा घंटा ज़रूर रखिएगा, बहुत अच्छी सी जो है मैरिनेशन हो जाएगी। मैं जो है इसको आधा घंटा रख दूँगी, इसके बाद जो है हम इसको कुक कर लेंगे। चले जी, ये जो मैरिनेट करके जो चिकन रखी थी मैंने जो है इसको एक बॉक्स में डाल के रख दिया था, अब जो है इसको कुक कर लेंगे। मैं जो है तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ऑयल डाला है मैंने इसके अंदर। और अब जो है मैं इसके अंदर चिकन शामिल कर दूँगी। अब जो है मैं इसके अंदर मैरिनेटेड चिकन शामिल कर दूंगी और चिकन को जो है अच्छे से मैं पका लूंगी। अच्छा जी, चिकन जो है मैंने पकाने के लिए रख दिया है, इसको मैं बिल्कुल ड्राई कर लूंगी। इसका पानी बिल्कुल जो है ड्राई करने के बाद जो है हम इसको स्मोक देंगे, इसके बाद जो है हम रोल की फिलिंग्स बनाएंगे। चले जी, चिकन को जो है हम चेक कर लेते हैं और ये देखिए तकरीबन जो है ड्राई हो चुकी है। अब जो है मैं इसकी आँच जो है बिल्कुल हल्की कर रही हूँ और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन, मैंने छोटी सी प्याज ले ली थी, इसको मैंने स्लाइस कर लिया था, ये डाल दूँगी। और एक जो है मैंने ले ली थी मीडियम साइज़ की कैप्सिकम, मैंने जो है वो डाल दी है। इससे जो है फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है और थोड़ा सा जो है पका ही रही हूँ ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, इसका भी पानी ड्राई हो जाए, अदरवाइज़ रोल जो है जल्दी ख़राब होने के चांसेज होते हैं। तो इसलिए डालकर थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसको और 1 से 2 मिनट जो है इसको हल्की आंच पे जो है इसको स्टीम कर लेंगे, चिकन के साथ ही जो है इसको रख देंगे ताकि बस ये सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा सा जो है इसका पानी ड्राई हो जाए। ये देखें, सारी जो है ड्राई हो गई है चिकन और बस मैंने इसको 1 से 2 मिनट मैं इसको रख रही हूँ ताकि अच्छी सी जो है ड्राई हो जाए और थोड़ा सा फ्लेवर जो है अच्छे से आ जाए कैप्सिकम और अनियंस के। इसके बाद जो है मैं इसको स्मोक दे दूँगी। अच्छा, कैप्सिकम्स और अनियंस डालने के बाद जो है मैं इसके अंदर जो है थोड़ा सा तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर डाल रही हूँ बारबेक्यू सॉस। इससे बहुत अच्छा सा जो है फ्लेवर आता है बारबेक्यू का, तो बहुत ही अच्छी जो है ये सॉस लगती है इसमें। आपके पास हो तो आप ज़रूर डालिएगा, अदरवाइज़ आप इसके अंदर जो है चिली गार्लिक जो केचप आता है वो भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप टोटली स्किप कर सकते हैं और जस्ट स्मोक के साथ आप इसको इन्जॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, चलें तो इसको चेक कर लेते हैं और ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, वेजिटेबल्स बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अब जो है मैं दे रही हूँ इसको स्मोक और मैंने रखा है इस पे स्पून और कोयला जो है मैंने पहले से ही जो है गर्म होने के लिए रख दिया था। और मैंने इसके ऊपर डाल दिया है ऑयल और बस ये अच्छा सा स्मोक हो जाएगा, इसके बाद जो है हम इसके रोल्स बना लेंगे। ये देखें जी, फिलिंग जो है चिकन की रेडी हो चुकी है, बारबेक्यू फ्लेवर बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब जो है हम इसके रोल्स बना लेते हैं। रोल्स के लिए जो है मैंने ले ली है रोल की पट्टी जो कि ट्रायंगल शेप में आती है, वो मैंने ले ली है। और अब जो है मैं इसकी फिलिंग कर रही हूँ।
अच्छा फिलिंग ज़्यादा ओवरलोडेड नहीं कीजिएगा, कम कम ही कीजिएगा ताकि अच्छे से जो है हमारी फोल्डिंग हो जाए। अच्छा देखिए मैं इसकी फिलिंग कर रही हूँ, और ये देखिए मैंने यहाँ पे रखा, एक रोल किया, यहाँ से मैंने इसको फोल्ड किया, फिर मैंने इसको जो है यहाँ से फोल्ड किया इस तरीके से, और मैंने जो है इसको इस तरीके से रोल कर दिया। अब जो है मैंने जो है एग वाइट ले लिया है, मैं वो लगा रही हूँ। आप आटे की लई बनाकर भी जो है आप रोल बना सकते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा सा जो है टाइट सा रोल बना है। मैं आपको एक और बनाकर दिखा देती हूँ। ये रोल की पट्टी ली, यहाँ पे हमने रखी फिलिंग। अच्छा फिलिंग की जो चिकन है मैंने तोड़ने का, थोड़ा सा मैश करने का मकसद यही होता है कि आपके रोल में जो जाकर है जो टूटे ना। अब ये देखिए मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड किया एक रोल करने के बाद, और अब इसको जो है इस तरीके से रोल करते जाना है। ये देखें, और यहाँ पे जो है मैं एग लगा देती हूँ ताकि अच्छे से जो है सील हो जाए हमारा रोल। और ये देखें रोल रेडी हो गया। अब जो है मैं इस तरीके से सारी रोल बना लूँगी, इसके बाद जो है हम इसकी कोटिंग करेंगे। ये देखिए जी मैंने रोल जो है सारे तैयार कर लिए हैं, अब जो है हम इसकी कोटिंग कर लेते हैं। चले जी अब जो है इसकी कर लेते हैं कोटिंग। पहले इसको डालना है एग में और अच्छे से जो है इसको कोट करना है एग के साथ। इसके बाद इसको डालना है क्रम्स में और इसको भी जो है अच्छे से कोट करना है। अच्छे तरीके से कीजिएगा ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए क्रम्स वगैरह, जब हम फ्राई करें तो पता ही ना लगे कि हमने जो है इसको रोल की जो है पट्टी में या शीट्स में इसको बनाया है, और ये बिल्कुल जो है कवर हो जाए ब्रेड क्रम्स के साथ। ये देखें बस इस तरीके से, देखें मैं सारे रोल्स बना लूँगी, एग में डिप करूँगी पहले अच्छे तरीके से, और इसके बाद हम डाल देंगे इसको क्रम्स में। देखिए है ना कितनी आसान सी और क्विक बनने वाली रेसिपी, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और इस मेथड पे इस पॉइंट पे जो है आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने जो है इसको मैं कोट कर रही हूँ। और ये लीजिए जी बिल्कुल मैंने अच्छे से जो है इसको कोट कर दिया है, बारबेक्यू रोल्स जो है रेडी हो चुके हैं। अब जो है मैं इसको आधा घंटा फ्रिज में रख दूंगी। आप इस पॉइंट पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, किसी भी जिप लॉक बैग में एयरटाइट डब्बे में डालकर आप इसको रख दें और आराम से आप इसको रमज़ान में इंजॉय कर सकते हैं। मैं जो इसको आधा घंटे के लिए रख दूंगी ताकि क्रम्स वगैरह जो है सेटल डाउन हो जाएँ, इसके बाद जो है हम इसको फ्राई करेंगे। चले जी अब रोल को फ्राई कर लेते हैं। इसको जो है डीप फ्राई करना है। मैंने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, उसको अच्छे से जो है मैंने गर्म कर लिया है, और अब जो है इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी रोल। अच्छा जी ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि ब्रेड क्रम्स जिस पे भी लगे होते हैं वो उसके लिए ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करते, अदरवाइज़ जो है फ़ौरन से जो है ब्रेड क्रम्स जो है जलने लग जाते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और हल्का तेल गर्म हो, ज़्यादा गर्म ना हो, उसके अंदर फिर आप जो भी आपकी ब्रेड क्रम्स वाली जो चीज़ है आप फिर आप डाल दें। ये देखिए रोल मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं। अब मैं थोड़ी सी जो है कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इसको जो है पलट दूंगी। ये देखिए बस इसको जो है चलाते जाना है क्योंकि जल्दी जल्दी जो है इसका कलर भी चेंज हो जाता है और ये अच्छे से जो है क्रिस्पी भी हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेड क्रम्स लगे हुए हैं तो जल्दी से इसका कलर जो है चेंज हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखें और आप जो है इसको चलाते रहें। ये मिनी रोल्स हैं, आप इसको हाइटीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, आप इसके अंदर चीज़ ऐड कर सकते हैं तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। चीज़ ऑप्शनल है, अगर आप चीज़ पसंद करते हैं तो चीज़ आप इसमें ज़रूर ऐड करें, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। ये देखें अब इसका कलर चेंज हो चुका है, अब जो है मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये देखें कितने अच्छे बनकर तैयार हो गए, अब इसको सर्व करते हैं। और ये लीजिए जी मज़ेदार से बारबेक्यू क्रिस्पी बारबेक्यू रोल्स जो है रेडी हो चुके हैं, और ये देखें जी अंदर से इतने मज़े के हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को रमज़ान में भी, और आप इसको जो है ईद पे भी बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को और मुझे कॉमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी। आप लोगों के लिए आज मैं बना रही हूँ चिकन पोटैटो डोनट्स, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही डिलिशियस बनते हैं। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पोटैटो चिकन डोनट्स, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही जो है अच्छे जो है आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं, तो ये रेसिपी बहुत अच्छी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी मैंने ले लिए हैं आधा किलो आलू ले लिए हैं, मैंने जो है इसको बॉईल करके मैंने इसको जो है मैश कर दिया अच्छे तरीके से।
इसके साथ मैं इसके अंदर डाल दूंगी बॉइल्ड, चॉप कर लिया था बहुत छोटा छोटा मैंने इसके अंदर, और मैंने इसके अंदर डाल दिया है चिकन बॉइल करके अच्छे तरीके से, नमक के साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ आप जो है इसको बॉइल कर लें। इसके साथ इसके अंदर जा रहा है चिकन क्यूब, चिकन क्यूब मैंने एक ले लिया है क्यूब, और मैं इसको डाल दूंगी। इसके बाद जो है नमक थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, चक्कर जो है डाल दीजिएगा, क्योंकि ये ज़रा ज़्यादा सॉल्टी होता है चिकन क्यूब, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ये ज़रूर डालिएगा। और हाफ़ टी स्पून जो है मैं इसके अंदर नमक भी शामिल कर दूँगी साथ ही साथ। इसके अंदर जाएगा इसके बाद हाफ़ टी स्पून के बराबर चिली फ्लेक्स, ये भी आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, आप जितना जो है स्पाइसी अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर हाफ़ टी स्पून के बराबर, चाट मसाला जाएगा हाफ़ टी स्पून के बराबर, ज़ीरा पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर, और चिकन पाउडर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1/2 टीस्पून के बराबर। इसके अंदर नमक डाला है 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर चला गया है, और एक गया है इसके अंदर चिकन क्यूब। तो आप जो है टेस्ट अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर लीजिएगा। अच्छा ये देखिए मैं इसको जो है अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लूँगी हाथों से, ताकि सारी चीज़ें जो है अच्छे से मिक्स हो जाए, चिकन क्यूब भी मिक्स हो जाए और बॉइल्ड चिकन वगैरह हर चीज़। जब भी बॉईल करें पोटैटोज़ को बिल्कुल ड्राई आप इसको कर लें, किसी छन्नी में निकाल कर रख दें, और बहुत ज़्यादा मैशी ना करें, अदरवाइज़ आप कुछ भी बनाएंगे, पैटीज़ बनाएंगे या आप डोनट्स बनाएंगे, तो आपके डोनट्स या जो भी आप बना रहे हैं वो टूट जाएंगे। इस चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी आपकी कोई भी पोटैटो स्नैक्स जो हैं टूटेंगे नहीं। ये देखिए अच्छे तरीके से मैंने इन चीज़ों को मिक्स कर लिया है, नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब देखिए सारी चीज़ें जो हैं मिक्स हो गई हैं, तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 1 कप के बराबर ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स डालने से ये होगा कि अगर कोई भी मॉइस्चर होगा भी तो वो जो है ब्रेड क्रम्स जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, और आपके डोनट्स बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। आपको जितनी नीड हो ब्रेड क्रम्स की आप उतने डाल सकते हैं, मैं जो है तकरीबन मैंने 1/2 कप के बराबर यूज़ किए हैं, आप 1 कप के बराबर भी जो है ब्रेड क्रम्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ब्रेड क्रम्स डालने के बाद मैं 1/2 घंटा इसको छोड़ दूंगी ताकि जितना भी मॉइस्चर वगैरह होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्रेड क्रम्स में, उसके बाद जो है हम इसके डोनट्स बनाएंगे। चलें जी, हमने जो डोनट्स के लिए जो मिक्सचर बनाया था पोटैटो का, इसको जो 1/2 घंटा हो चुका है, अब जो है हम इसके डोनट्स बना लेते हैं। अच्छा, डोनट्स बनाने के लिए जो है मैं एक कटर यूज़ कर रही हूँ, आप जो है हाथों से भी बना सकते हैं और ये बहुत इजीली बन सकते हैं। और कटर यूज़ करने का मकसद ये है कि सारे जो है अच्छे से जो है एक ही साइज़ के जो है हमारे डोनट्स बनकर तैयार होंगे। तो देखिए मैंने इस तरीके से एक पोर्शन ले लिया है और मैं जो है इसके अंदर सेट कर दूँगी ताकि एक ही साइज़ के जो है हमारे डोनट्स बनकर तैयार हों। अगर आपके पास नहीं है तो आप हाथ से भी जो है गोल कबाब की शेप देकर आप बीच में से जो है हॉलो कर आप इसको तैयार कर सकते हैं। ये देखेंगे इस तरीके से, देखें गोल बन गया, और बीच में मैं फिंगर से ही जो है मैंने इसके अंदर होल कर दिया, और ये देखें इतना अच्छा सा डोनट्स जो है तैयार हो गया। बस मैं इसी तरीके से सारे डोनट्स बना लूँगी, इसके बाद जो है मैं बताती हूँ कि कोटिंग किस तरीके से करनी है। और ये देखिए जी, ढेर सारे डोनट्स तो हैं मैंने बनाकर जो है तैयार कर लिए हैं, और अब जो है हम इसकी कोटिंग कर लेते हैं। अच्छा जी, कोटिंग के लिए मैंने ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स होममेड, इसके साथ मैंने ले लिया है फ्लावर, और इसके साथ मैंने ले लिए हैं 2 अंडे। इसको जो है मैं अच्छे तरीके से बीट कर लूँगी, और इसके अंदर जो है मैं सॉल्ट और पेपर डालूँगी थोड़ा सा, ताकि अच्छा सा जो है फीका फीका ना लगे हमें एग की कोटिंग भी। अच्छा जी, अब कोटिंग करने के लिए मैं पहले डाल रही हूँ उसको फ्लावर में, और अच्छे तरीके से फ्लावर के अंदर कोट कर लूँगी डोनट को, और शेप आप इसका जो है प्रॉपर बनाते रहेंगे जिस जिस चीज़ में कोट करते जाएंगे, और शेप को जो है मेंटेन रखेंगे। ये देखिए अच्छे से फ्लावर में कोट हो गया, अब जो है मैंने कर दिया इसको एग के अंदर कोट, और अच्छे तरीके से करना है ताकि हर जगह से जो है एग वगैरह जो है लग जाए। अब मैंने डाल दिया इसको ब्रेड क्रम्स में, ये देखें इस तरीके से। और फिंगर से आप होल कर दें, क्योंकि जब हम ब्रेड क्रम्स डालते हैं ना तो अंदर फिर जो है होल जो है भर जाता है, तो इस वजह से आप इसको जो है वापस से बना लें। और ये देखें डोनट कितना अच्छा सा बन गया। बस इसी तरीके से जो है मैं सारे कोट कर लूँगी, इसके बाद जो है हम इसके फ्राई करेंगे।
अभी देखिए मैंने सारे जो है डोनट्स को अच्छे से कोट कर लिया है एग और ब्रेड क्रम्स के साथ। अब जो है हम इसको फ्राई कर लेंगे, और आप जो है इस वाले पॉइंट पे आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे रहते हैं 1 वीक तक। 1 वीक से ज़्यादा जो है पोटैटोज़ को जो है फ्रीज़ नहीं करते, अदरवाइज़ ये जो है ख़राब होने लगते हैं। तो चलें जी अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। चलें जी अब ऑयल जो है गर्म हो चुका है, तो अब जो है मैं इसके अंदर डोनट्स डाल दूँगी। और इसको जो है फ्राई कर लेंगे दोनों साइड से जो है लो मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि सारी चीज़ें कुक्ड ही हैं, इसके अंदर हमें कुछ कुक तो नहीं करना, बस अच्छा सा जो है इसको कलर देना है, और ज़्यादा भी लो फ्लेम नहीं करेंगे, अदरवाइज़ आपके जो है डोनट टूट जाएंगे। चलिए जी अब एक साइड जो है मैं टर्न कर देती हूँ। और बस इसको अच्छा सा गोल्डन सा कलर दूंगी और बस इसको जो है ये रेडी हो जाएंगे। और ये देखें जी बिल्कुल अच्छे से देखें कितना अच्छा सा जो है कलर आया है डोनट्स का, और ये कितने अच्छे से देखें इसका शेप है। तो चलें जी रेडी हो चुके हैं, तो अब जो है इसको सर्व करते हैं। और ये लीजिए जी मज़ेदार से चिकन पोटैटो डोनट हो चुके हैं रेडी। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बच्चों को तो ये बहुत ही फेवरेट हैं, क्योंकि मेरे बच्चे ये बहुत शौक से खाते हैं। आई होप आप लोग के बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और जो जो मेरे चैनल पर नए हैं, थैंक यू सो मच मेरे चैनल के लोग को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को शेयर भी किया कीजिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़।